अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन क्या हाल चाल है? ठीक ठाक नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है लैंग गर्ल्स का है। अगर आपके पास इसी तरह की मशीन आपके पास मौजूद है तो आपकी सिलाई मशीन का लैंग गर्ल्स लूज़ हो गया है, अगर गर्ल्स वर्क नहीं कर रहा, गर्ल्स की वजह से मशीन टॉप कर रही है, तो आप अपने लैंग मशीन का लैंग गर्ल्स कैसे ठीक कर सकते हैं? मौजूद देखने से पहले प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नाज़रीन मूवी को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मूवी की समझ आ सके। नाज़रीन ये देखें, ये मेरे पास मशीन है जो लैंक मोशन है, इसका धागा जो सामने फ्रंट में डाला जाता है, ये सादा मशीन ही लैंक मोशन है। दर्दी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका ज़्यादातर मसला होता है लैंक का, चलते चलते मशीन का लैंक लूज़ हो जाता है तो मशीन फिर टॉप करने लग जाती है, यानी कि स्किप करने लग जाती है। तो ये देखें नाज़रीन ये क्या कर रही है, आपके सामने मैं आपको बताता हूँ। देखें अगर आपकी मशीन ऐसे कर रही है, ये देखें जैसे ये लैंक मोशन मशीन है, इसका लैंक लूज़ हो गया, लैंक लूज़ होने से मशीन स्किप करेगी, बार बार टॉप करेगी तो मशीन का टांका ठीक नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है मैं आपको इसी मूवी में बताऊंगा, जाना कहीं नहीं, मूवी को स्किप बिल्कुल नहीं आप नहीं करना, मूवी को एंड तक लाजमी देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। आप खुद भी इसी ऐसी मशीन को खुद ठीक कर सकते हैं। ये देखें लाजी, अगर लैंक लूज हो जाए तो सुई भी काम नहीं करती, मशीन टांका भी अच्छा नहीं देती। लाजी जी देखें, ये लैंक जो लूज हो चुका है, इसके दो अंदर पेच होते हैं, जो गोला आप देख रहे हैं ये वाला गोला लगा हुआ है, ये पीछे गोला आपको नजर आ रहा है, इसको हम गोला कहते हैं, गट्टू भी कहते हैं। ये सामने लैंक है, लैंक के दो लेफ्ट राइट दो पेच होते हैं छोटे से, जो लूज हो जाते हैं चलते चलते मशीन में, मशीन जब स्पीड के साथ चलती है, मोटर पर चलती है, तो इसके पेच अक्सर लूज हो जाते हैं, कि मोटा कपड़ा आ जाता है इसलिए लूज हो जाते हैं स्पीड के साथ। इसके लेफ्ट राइट जो पेच हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, ये दोनों पेच आपने लूज हुए टाइट करने हैं। तो टाइट करने का तरीका मैं आपको जो मैं पेच का लगा रहा हूँ छोटे सा आपको पेच नज़र आ रहा है, देखें नाजी ये वाला एक ये पेच है और एक पेच मैं जब ये देखें नाजी मैं घुमा रहा हूँ मशीन को, और एक पेच आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये वाला पेच है, ये वाला एक ये लेफ्ट है और एक राइट है, फिर आपको दिखाता हूँ दोबारा, ये देखें ये वाला पेच यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है ये देखें जहाँ मेरा पेच का लगा हुआ है, यहाँ पर एक पेच है और एक यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है, और ये पेच आपने टाइट कैसे करने हैं ठीका क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे होल है, ये होल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से आपने पेच का सामने पेच नज़र आ रहा है आपको, ये वाला आपने यहाँ से पेच आपने टाइट कर देना है, जैसे मैं ही कर रहा हूँ, ये देखें ना और दूसरा पेज भी आपने ऐसे ही टाइट करना है। और यहाँ पर एक पेज है, जब आप पोल की तरफ देखेंगे यहाँ पर से आपको सामने से एक छोटा सा पेज नजर आएगा, आपने वहाँ पर एक पेज का सी मदद से पेज टाइट कर लेना है। कोई छोटा पेचकस ले लें जिसका मुंह अच्छा हो, जैसे मैंने ये पेचकस लिया, तो ये देखें मैं टाइट कर रहा हूँ, ये देखें ये टाइट हो चुका है, और उसी तरफ एक लेफ्ट होगा, फिर राइट की तरफ आपने देखना है, यहाँ पर से एक पेच होगा जो नीचे की तरफ लगा हुआ, जैसे ये यहाँ पर, उसको भी आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। यस ज़ोर से दबा के अपने पेज टाइट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखें मैंने मशीन को उल्टा कर लिया है, यहाँ से आपको दिखाने के लिए सिर्फ पेज की वजह से आप मशीन उल्टी की है, ये देखें ये नाज़रीन देखें अगर आपको नज़र आ रही है, देखें ये पेज है नाज़रीन को देखें, ये सामने पेज है, ये वाला एक ये पेज है और एक वाला, आपने ये दोनों पेज टाइट करने हैं, जब पेज टाइट हो जाएंगे तो फिर जो मशीन में मसला है सिलाई मशीन का लैंग के मुकास में वो दूर हो जाएगा लूजिंग का। देखिए नाज़रीन देखिए मैंने दोनों पेज टाइट कर दिए हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये देखिए नाज़रीन बिल्कुल लैंग की जो लूजिंग है खत्म हो चुकी है,
पहले जब लैंग गैस को मैं अप डाउन करता था तो मशीन का जो गैस था वो अप हो जाता था, कभी डाउन हो जाता था। अब देखें मशीन ठीक हो चुकी है, जैसे मैंने आपको मूवी में बताया, आपने ऐसे ही अपनी इस मॉडल वाली मशीन को जो आपको दिखा रहा हूँ ऐसे इस मॉडल की अगर मशीन आपके पास लैंग मोशन है तो आपने लैंग गैस जो अगर लूज हो जाए तो आपने ऐसे ही जैसे मैंने तरीका आपको बताया है ऐसे ही आपने अपनी मशीन को लैंग गैस को टाइट कर लेना है। नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट में मैसेज लाजमी करना है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मज़ीद इस मॉडल के मशीन में कुछ मालूम आ चाहते हैं तो आपने कमेंट में लाजमी मैसेज करना है। नाज़रीन इंशाल्लाह दोबारा नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।